हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, अपने घर पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पे बैठे बैठे पीसी स्टडी पॉइंट पर आप अपनी स्टडी को लगातार जारी रख रहे होंगे। और इसी आशा के तहत, इसी कड़ी में आज हम एक बार फिर से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। और नई शुरुआत कुछ इस प्रकार से इस बार रहेगी, इलेवंथ क्लास के लिए। हाँ, इलेवंथ क्लास के लिए जो सिलेबस स्कूल में अपना चल रहा था स्टूडेंट्स, उसको आगे बढ़ाते हुए जो बचा हुआ सिलेबस है उसको हम यहां पर कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। अदर स्कूल्स के स्टूडेंट्स भी काफी सारे हमारे साथ में जुड़े हुए होंगे, वो भी अपनी स्टडी को साथ साथ जारी रख सकते हैं। उनको मैं नॉलेज के लिए बता दूं कि स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो आपने अगर उसको अभी तक नहीं पढ़ा है तो हम प्रयास करेंगे उसका भी आपके लिए जल्दी ही क्लास की व्यवस्था कर दी जाए। बाकी आप पी ब्लॉक में आगे की जो क्लासे हैं वो पहले आप अटेंड करके और अपनी पढ़ाई को जो है निरंतर जारी रख सकते हैं। अगर आपने अपने स्कूल में पढ़ लिया है तो आप उसका रिविजन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्लास में अपना जो चल रहा था पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें रासायनिक क्रियाशीलता अपन पढ़ चुके थे और आज अपन उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं करवाने वाले हैं। और सबसे पहले जो अभिक्रिया अपन करवाएंगे वो करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ में। जी हाँ, पी ब्लॉक तत्वों की ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे आज अपन। देखिएगा, अपन जो है पी ब्लॉक में दो वर्ग पढ़ रहे थे, वर्ग संख्या 13 और वर्ग संख्या 14, क्योंकि 11th क्लास में अपने सिलेबस में केवल दो ही वर्ग है, 13 और 14। तो जो 13 वर्ग है उसमें जो सबसे पहला तत्व है बोरोन, उसके बाद में एल्यूमिनियम। सबसे पहले मैं बात कर लूं वर्ग 13 की, इसके जो तत्व हैं ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कर और E2O3 प्रकार के ऑक्साइड बनाएंगे, क्योंकि इनकी वैलेंसी 3 होने वाली है। इसके बारे में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये मान लो 13वें वर्ग का तत्व है ई, तो इसकी संयोजकता होगी 3, ऑक्सीजन की संयोजकता होगी 2, तो फॉर्मूला बन जाएगा E2O3। यानी वर्ग संख्या 13 के जो तत्व है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके और E2O3 प्रकार के ऑक्साइड बनाएंगे, जैसे जैसे बोरोन का ऑक्साइड B2O3, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3। इस प्रकार के ऑक्साइड्स जो है इनके बनने वाले। इसके साथ साथ इस वर्ग में आपको एक विशेष बात तो ध्यान में रखनी है कि हाई टेम्परेचर पर ये जो तत्व है नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्शन देते हैं। जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है ठीक वैसे ही नाइट्रोजन के साथ में भी अभिक्रिया देके, और जैसे ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्साइड बना रहे ठीक वैसे ही नाइट्रोजन के साथ ये नाइट्राइड भी बना सकते हैं। केवल वर्ग 13 के तत्वों की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद में आगे चले अगर वर्ग 14 में, तो वर्ग 14 के तत्व है वो दो प्रकार के ऑक्साइड देते हैं, MO एंड MO2। क्योंकि वर्ग 14 के तत्वों की जो संयोजकता है वो या तो दो या फिर चार, जैसे नॉर्मली संयोजकता 4 होती है, लेकिन अपन देखते हैं कि कभी कभार उनकी जो संयोजकता है वो 2 भी होती है। तो अगर 2 संयोजकता हुई तो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनेगा MO, और 4 संयोजकता हुई तो MO2। जैसे कार्बन के दोनों ऑक्साइड बनते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। तो इस प्रकार से 14 वर्ग के तत्व है वो दो दो प्रकार के ऑक्साइड देंगे आपको, मोनोऑक्साइड और दूसरा देंगे डाइऑक्साइड। तो ये तो बात हुई इनके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ली, ऑक्साइड बना ली। अब आपको यहां पर साथ साथ में ये देखना है कि ये जो ऑक्साइड बने इनमें से कौन कौन सा ऑक्साइड अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है और कौन सा जो है वो उभयधर्मी, और कौन सा ऐसा है जो बनता नहीं है या अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल में जो जैसे कार्बन का मोनोऑक्साइड है वैसे सिलिकॉन का जो मोनोऑक्साइड होता है SiO, जी हाँ कार्बन का मोनोऑक्साइड CO, वैसे ही सिलिकॉन का मोनोऑक्साइड है SiO, और ये स्थाई होता है। ये केवल हाई टेम्परेचर पर यानी उच्च ताप पर ही स्थाई होता है, कम ताप पर ये अस्थाई होता है। तो ये तो बात हो गई इनके ऑक्साइड बनाने की। अब अपन देख लेते हैं इनकी नेचर, ऑक्साइडों की नेचर में देखिए। सबसे पहले वर्ग 13 में अपने पास में देखिए ये तत्व है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। वर्ग 14 में है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये तत्व है अपने पास। तो इनके ऑक्साइडों की नेचर देखते हैं।
तो ऑक्साइडों की जो नेचर है वो नॉर्मली, आपको पहले भी मैंने बताया है कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी नेचर क्षारीय होती है और अधात्विक ऑक्साइडों की नेचर अम्लीय होती है। तो आपको ध्यान में रखना है, पहले पढ़ चुके हैं अपन आवर्त सारणी में, अगर आप नीचे की ओर जाओगे तो धात्विक नेचर बढ़ेगी। धात्विक का मतलब क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी। जैसे बोरोन का जो ऑक्साइड है, बोरोन अधातु, अधातुओं के ज्यादातर ऑक्साइड अम्लीय, बोरोन का जो ऑक्साइड है अम्लीय होगा। एल्यूमिनियम और गैलियम, इनके ऑक्साइड होंगे उभयधर्मी। उभयधर्मी, उभयधर्मी आप जानते होंगे, उभयधर्मी का मतलब जिसमें दोनों नेचर होते हैं, एक अम्लीय भी होती है और क्षारीय भी होती है, दोनों गुण होते हैं उसको उभयधर्मी। तो एल्यूमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड उभयधर्मी होने वाले। इंडियम और थेलियम के जो ऑक्साइड है ये होंगे क्षारीय। जी हाँ, बोरोन का अम्लीय, एल्यूमिनियम गैलियम के उभयधर्मी, और इंडियम और थेलियम के जो ऑक्साइड है वो क्षारीय होंगे। बात करें वर्ग 14 की, तो वर्ग 14 में कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इन तीनों के जो ऑक्साइड है वो अम्लीय। कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, डाइऑक्साइडों की बात कर रहे हैं, पर सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो डाइऑक्साइड MO2, और सबसे ज्यादा अम्लीय भी, ये भी ध्यान रख में रखना है, CO2 सर्वाधिक अम्लीय होता है। वर्ग 14 में जो सर्वाधिक अम्लीय होता है वो कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। टिन और लेड के जो ऑक्साइड है वो उभयधर्मी होंगे। टिन और लेड के जो ऑक्साइड है वो उभयधर्मी होंगे, डाइऑक्साइड बता रहा हूं, ध्यान रखना। मोनोऑक्साइड भी अगर आप ध्यान में रखने चाहें, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कार्बन का मोनोऑक्साइड आपको ध्यान में रखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये उदासीन प्रकृति का होता है। जी हाँ, ये उदासीन। कार्बन का डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा अम्लीय है, जबकि कार्बन का मोनोऑक्साइड बिल्कुल से न्यूट्रल है, न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय। ये बात हो गई वर्ग संख्या 13 के तत्वों की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब अपन अगले रिएक्शन की ओर चलते हैं और वो है अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो देखिए, अम्लों के साथ जो अभिक्रिया है वो अपने को केवल ग्रुप नंबर 13 में ही पढ़नी है, और उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जैसे पढ़ेंगे अपन जल के साथ, वाटर के साथ, वो पढ़नी है आपको केवल ग्रुप नंबर 14 में। यानी अम्लों में केवल आपको 13वां ग्रुप पढ़ना है और जल के साथ अभिक्रिया में आपको केवल 14वां ग्रुप पढ़ना है। तो यहां पर 13वें ग्रुप में भी केवल दो तत्वों की अपन चर्चा करने वाले हैं, बोरोन और एल्यूमिनियम। अब बोरोन की भी क्या चर्चा करने वाले हैं, बोरोन जो है वो अम्लों से अप्रभावित होता है, ये कोई रिएक्शन नहीं देता है, बस बोरोन की चर्चा खत्म। बोरोन अम्लों से अप्रभावित होता है, यह अम्लों के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर जो चीज है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है अम्ल और क्षार दोनों के साथ रिएक्शन देता है, अम्ल के साथ में भी रिएक्शन देता और दूसरा क्षार के साथ में भी ये रिएक्शन देता है, दोनों के साथ में रिएक्शन देगा। लेकिन अगर इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई हो तो यह किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं देता है, इस चीज का यहां ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम अम्ल के प्रति कई बार अभिक्रिया क्यों नहीं देता है। जैसे मान लो एल्यूमिनियम की रोड है, तो इसमें होता क्या है, इसको आपने बाहर वायुमंडल में रख दिया, जैसे लोहे पर जंग लगता है वैसे एल्यूमिनियम पे भी इसकी बाहर सरफेस के जो पार्टिकल्स है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड में बदल जाएंगे। यानी ये जो एल्यूमिनियम की रोड है चारों तरफ से कवर्ड हो गई एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, इस एल्यूमिनियम की रोड के चारों ओर एल्यूमिनियम ऑक्साइड के जो पार्टिकल्स हैं वो कवर्ड हो गए, तो एक तरह से लेमिनेटेड हो गई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से प्लास्टिक कोटेड हो गई। इसके कारण अब आप जब इसको एसिड में डालोगे ना तो एल्यूमिनियम तो अंदर रह गया, बाहर कौन है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसलिए यह अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं देता है। अगर ऑक्साइड की परत नहीं चढ़ी हुई होती है तब यह अभिक्रिया दे देगा अम्ल के साथ, अम्ल के साथ भी देता है और क्षार के साथ भी देता है, लेकिन केवल तब भी देगा जब ऑक्साइड की परत नहीं चढ़ी। अब देखो रिएक्शन कैसे होती है, जलीय माध्यम में जब आप इसकी अभिक्रिया करवाते हो अम्लों में और क्षारों में, दोनों में देखो सेम रिएक्शन होगी। क्या रिएक्शन होने वाली है? यहां पर जो एल्यूमिनियम है वो कन्वर्ट हो जाएगा Al+3 में। ये अपन जानते हैं एल्यूमिनियम के संयोजी को, उसमें तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों इलेक्ट्रॉनों का ये त्याग कर देगा और कन्वर्ट हो जाएगा दोनों में ही Al+3। और अब ये क्या करेगा, अब ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा जो भी देने वाला होगा। अम्लीय माध्यम में इसको लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन देता है H2,
और क्षारीय माध्यम में इसको लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन देगा OH माइनस। और कितने लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है ये, तो ये 6 एलपी एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि 4 से ज्यादा कर सकता है ये। पहले पढ़ा अपन ने कि बोरोन में डीकक्षक खाली डीकक्षकों का अभाव होता है, लेकिन एल्यूमिनियम में रिक्त डीकक्षक है। अब जब रिक्त डीकक्षक अवेलेबल है तो उस स्थिति में ये 4 से ज्यादा एलपी एक्सेप्ट कर सकता है और 6 एलपी एक्सेप्ट करेगा ये। तो यहां पर तो इसका एलपी देने वाले कौन है, H2O। ये लीजिए कंपाउंड बढ़ गया आपके पास में AlH2O का होल 6 और ये इसका +3 चार्ज। न्यूट्रल करना चाहो तो आगे रिनाइन जुड़ जाएगा, 3 Cl- माइनस जोड़ दीजिएगा। अगर आप इसको न्यूट्रल करना चाहें H2O का होल 6 ठीक है, +3 चार्ज है। अगर न्यूट्रल करना चाहो तो देखो ये Cl- माइनस 3 Cl- माइनस जुड़ करके इसको न्यूट्रल कर देंगे। और क्षारीय माध्यम में ये लीजिएगा 6 OH- ने अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया। अब इस बार -3 चार्ज आएगा, देखो यहां पर Al पर +3 चार्ज आया था, यहां Al +3 लेकिन ये -6, प्लस के 3 और माइनस के 6 तो -3 चार्ज आ गया। इसको न्यूट्रल करना चाहते हो तो 3 धनायन ये रे Na3 ये जोड़ दीजिए। तो अम्लीय और क्षारीय दोनों माध्यम में जो आप देख सकते हैं कि ये रिएक्शन करता है, प्लस इसके अलावा ये हाइड्रोजन गैस बनाएगा। यहां से जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस इसमें से रिमूव हो जाती है। ये इसकी रिएक्शन हो गई अम्लों के साथ। उसके बाद में तीसरी अगली जो रिएक्शन है वो है वाटर के साथ, यानी जल के साथ में ये क्या अभिक्रिया देता है ये पढ़ते हैं। तो देखिए वाटर के साथ में आपको पढ़नी है केवल वर्ग 14 में। तो वर्ग 14 में देखिए कार्बन सिलिकन जर्मेनियम टिन और लेड। तो देखिए वैसे यहां पर आपको एक रिएक्शन कंफ्यूज करने वाली मिलेगी, आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा कि कार्बन सिलिकन एंड जर्मेनियम ये वाटर के साथ में कोई रिएक्शन नहीं देते, जबकि इससे पहले हो सकता है इस बार आपने सिलेबस में नहीं पढ़ा हो, आपके पहले चैप्टर है हाइड्रोजन वाला, हो सकता है वो आपने नहीं पढ़ा हो। अगर आपने पढ़ा है तो उसमें आपने कार्बन और हाइड्रोजन की रिएक्शन देखी होगी, जिस रिएक्शन को कोल गैसीकरण रिएक्शन बोलते हैं। तो यहां वाले सेंटेंस और वहां वाले सेंटेंस में ये विरोधाभास क्यों हो रहा है, हालांकि कार्बन की वाटर के साथ रिएक्शन होती है लेकिन यहां पर नॉर्मल वे में ये कहा गया है कि नॉर्मली कोई रिएक्शन नहीं होती है, यानी रिएक्शन होती है लेकिन वो होती है केवल हाई टेम्परेचर पर जलवाष्प के साथ, और टेम्परेचर होता है लगभग 1200 केल्विन से अबव, तब जाकर के रिएक्शन होती है। और यहां आपको नॉर्मल वे में कहा गया कि नॉर्मली कोई रिएक्शन नहीं होती। तो कार्बन की अगर आप चाहें तो रिएक्शन हो सकती है, सीधी सी रिएक्शन होती है, कार्बन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो हाइड्रोजन को उठा के यहां कार्बन जोड़ दीजिएगा CO+H। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण बनता है जिसको वाटर गैस, जी हां इस मिश्रण को जो है वाटर गैस कहा जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम कोई रिएक्शन नहीं देते, लेड ये भी कोई रिएक्शन नहीं देता है। और इसका भी रीजन जो अभी आपने एल्यूमिनियम वाला पढ़ा कि ये भी चारों ओर से कवर्ड होता है, रक्षण फिल्म चारों ओर प्रोटेक्शन लेयर होती है, जिसके कारण लेड भी रिएक्शन नहीं देता है। बच गया कौन, टिन, ये रिएक्शन देगा वाटर के साथ में और रिएक्शन देकर के टिन फोर्थ ऑक्साइड बनाएगा। रिएक्शन सेम ही होगी, यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा टिन, लेकिन जैसे कार्बन ने 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है ठीक वैसे ही टिन 4 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, यानी आपके पास बनेगा SnO2 और हाइड्रोजन गैस। इस तरह से आपके पास में टिन की रिएक्शन हो जाएगी। तो ये टिन का फोर्थ ऑक्साइड, टिन फोर्थ ऑक्साइड बोल सकते हैं आप इसको, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये पी ब्लॉक में अपन ने अम्लों के साथ रिएक्शन करवा दी, वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ, 3 रिएक्शन करवा दी। उसके बाद में एक रिएक्शन और वो है हेलोजनों के साथ अभिक्रिया, और वो इन तीनों की तुलना में थोड़ी ज्यादा डिटेल में अपने को डिस्क्राइब करनी है। जो हेलोजनों के साथ अभिक्रिया है उसको थोड़ा और ज्यादा डिटेल में बताना है, इसलिए उस रिएक्शन को अपन एक अलग ही पार्ट में, यानी नेक्स्ट क्लास में अपन केवल उसी के बारे में पढ़ेंगे कि पी ब्लॉक तत्व हेलोजनों के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया देते हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।
क्लास में किसी तरह का आप सुधार चाहते हैं तो वो सुझाव भी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम क्लास में सुधार कर सकें। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।